25 घंटे बचे हैं और 25 घंटे बाद सबसे बड़े चुनावों का हो जाएगा ऐलान। चुनाव आयोग कल दोपहर 3 बजे आम चुनावों की तारीखों का ऐलान करने वाला है। कल 3 बजे चुनावी बिगुल बजेगा और इन्फॉर्मेशन अब लाउड एंड क्लियर अंदाज में होगी आपके सामने, जहां हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या चुनाव को लेकर बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि ये सबसे पहले डिटेल आपके सामने, जहां देखिए 2019 में 7 चरणों में चुनाव हुआ, 2019 में 23 मई को रिजल्ट आए, अब 2024 कितने चरणों में होगा मतदान, ऐलान कल दोपहर 3 बजे। नतीजों की क्या होगी तारीख, ऐलान कल दोपहर 3 बजे। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन करने वाले हैं क्योंकि सोर्सेस के हवाले से क्या बड़ी खबरें मिल रही है चुनाव की तैयारियों को लेकर, चुनाव की तारीखों को लेकर, इस बारे में होगा सीधा सवाल। लेकिन 25 घंटे बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर सबसे बड़ी खबर यही है कि कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव का ऐलान होगा और चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करेगा। चुनावों के ऐलान के साथ लागू हो जाएगी आचार संहिता। बड़ी खबर यह है कि 6 से 7 चरण में चुनाव कराए जा सकते हैं। तो अब चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है, लेकिन अब लाउड एंड क्लियर में चुनावी मुद्दों को लेकर भी इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने, वोटर डेटा को लेकर होगी इंफॉर्मेशन आपके सामने। कौन कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं, इस बारे में हमारे सहयोगियों के साथ भी हम करेंगे बात, क्योंकि TV9 भारतवर्ष की टीम लगातार ग्राउंड पर मौजूद रहते हुए चुनावी हलचल को देखते हुए एक एक बड़ी खबर हम तक पहुंचा रही है। तो चुनावी बिगुल बस बजने ही वाला है, चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हो चुकी है। बताते हैं इस बार आम चुनाव कितने चरणों में हो सकते हैं, कब रिजल्ट आ सकता है। TV9 के सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी मिली है वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कल 3 बजे चुनाव तारीखों के ऐलान को लेकर ये बड़ी खबर है। 6 से 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संभव है, सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर आपके सामने। जहां बता दें 18 से 20 अप्रैल के बीच हो सकता है पहला चरण, ये बड़ी जानकारी आपको TV9 भारतवर्ष दे रहा है। साथ ही ये भी जान लीजिए कि मई के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट सामने आ सकता है, परिणाम कब आएंगे सामने इस पर सबकी नजर है। फिलहाल सोर्सेस के हवाले से खबर यही है कि मई के अंतिम सप्ताह में परिणाम आ सकते हैं और चुनावी तैयारी के लिए पार्टियों को 30 से 32 दिन दिए जा सकते हैं। अब चुनावी तैयारियों को देखते हुए ही जो बड़े ऐलान किए जा रहे हैं इस पर हमारे सहयोगियों से मैं बात करूंगी, लेकिन फिलहाल ये पहली बड़ी इंफॉर्मेशन बिग वॉल इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने थी, जहां कल 3 बजे चुनावी तारीखों के ऐलान को देखते हुए सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबरें हैं। और देश के कोने कोने से हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। बीजेपी मुख्यालय से आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ है, कांग्रेस मुख्यालय से ही आपको बता दें हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत भी हमें ज्वाइन करेंगे, आमोद राय भी इस वक्त हमारे साथ है, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से कुमार कुंदन हमारे साथ है, पीयूष पांडे हमारे संवाददाता भी लगातार इसी चुनावी हलचल को देखते हुए चुनावी तैयारियों के बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमें देंगे। आपको ये भी बता दें लोकसभा चुनाव का ऐलान को देखते हुए ये जो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, आनंद प्रकाश पांडे बीजेपी मुख्यालय से इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आमोद राय हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और साथ ही जितेंद्र भाटी दिल्ली विधानसभा से हमारे साथ है, पंकज झा पटना से हमारे साथ है, प्रीति श्रीवास्तव वाराणसी से लगातार हमें अपडेट पहुंचा रही है, और मुंबई की इस चुनावी हलचल को देखते हुए, महाराष्ट्र की स्थिति को देखते हुए राजीव सिंह भी हमें देंगे अपडेट। साथ ही जयपुर का रुख करेंगे, ध्वज आ रहे हमारे साथ रवि दत्ता कोलकाता की इस चुनावी हलचल के बीच हमें जानकारी देंगे। आमोद और पीयूष इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं, सबसे पहले आमोद जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले अगर संभव हो तो क्या पीयूष से बात हो सकती है, क्योंकि पीयूष चुनाव की तारीखों को देखते हुए बड़ी तैयारी, बड़ा ऐलान और अब बस 25 घंटे बाकी। जी बिल्कुल सुरभि, देखिए 25 घंटे सिर्फ बाकी हैं जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान कर देगा कि कितने चरणों में चुनाव होगा और किन किन तारीखों में कहां कहां चुनाव आयोजित कराया जाएगा। 7 चरणों में चुनाव कराए जाने की संभावना है और 2019 में भी 7 चरणों में चुनाव कराया गया था, इस बार भी वही उम्मीद जताई जा रही है और देखना ये होगा कि चुनाव आयोग इसमें किस तरह का रुख अख्तियार करता है और मई के अंतिम सप्ताह में परिणाम घोषित हो जाएंगे, उसके बाद जो सरकार होगी नई सरकार उसके फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और अहम बात यह है कि चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सबसे पहले ही इसमें चुनाव आयोग ने कई कदम उठा लिए हैं, राजनीतिक दलों को साफ संकेत दे दिया है कि अगर हेट स्पीच होती है राजनीतिक प्रतिनिधियों की ओर से तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा फ्री बीज और मतदाताओं की सुरक्षा और उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उसके संबंध में पूरी तैयारियां कर चुका है चुनाव आयोग, लेकिन बीजेपी की तैयारी को देखते हुए बड़े फैसले लिए जा चुके हैं। आमोद राय हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ओवर टू यू आमोद जी।
देखिए सुरभि, बीजेपी पिछले 1.5 सालों से लगातार तैयारी कर रही है और हम जानते हैं कि किस तरह से लोकसभा प्रवास के 161 सीटों को छांटकर बीजेपी जो 2022 जून से ही लगातार तैयारी में जुटी हुई है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रत्यूष कांठ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रत्यूष जी, कितनी तैयारी है? अब तो कल जा रहा है, अब महज 24 घंटा बाकी रह गया है, कल से आप लोग समर में कूदने वाले हैं, क्या तैयारी है? आमोद जी, आप तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप तो बहुत क्लोजली बीजेपी को देखे हैं। हमारे यहाँ तो 365 दिन प्रक्रिया चलती है, इवन जो टिकट का जो प्रोसेस होता है बाकी फैमिली रन पार्टी से बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ तो पन्ना प्रमुख जो बूथ लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल तक लोगों का इन्फॉर्मेशन शेयर होता है, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है, विनेबिलिटी होती है, उसी को टिकट मिलता है, कोई परिवार रन तो है नहीं। इसीलिए आप देखेंगे इलेक्शन की तैयारी भी फैमिली के साथ चलती रहती है कि बूथ पर कौन रहेगा, किसको क्या देखना है, प्रचार कौन देखेगा, लोगों के पास कौन जाएगा। नरेंद्र मोदी ने इतने जो काम किए हैं, आज प्रधानमंत्री दक्षिण भारत में हैं और आज रात्रि में विश्राम भी हुए तेलंगाना में करने वाले हैं, कल भी दक्षिण भारत में हैं, तो चुनाव का आगाज होने से पहले ही प्रधानमंत्री दक्षिण का रुख कर गए हैं, क्या संदेश है इसमें? प्रधानमंत्री जी दक्षिण में हैं, उनको पता है कि कमाल का रिजल्ट आने वाला है बीजेपी का इस बार, क्योंकि जो इतने डेवलपमेंट वर्क हुए हैं, जो बेनिफिशरीज इतने रहे हैं, हर घर जल, हर घर पक्का घर, हर घर स्वास्थ्य, हर घर बिजली, ये सब जो इतने सारे जो गरीब से गरीब लोग तक पहुंचे हैं, वो नॉर्थ साउथ थोड़ी देखते हैं, कोई डिवाइड थोड़ी है कि ये साउथ इंडिया है या ये नॉर्थ इंडिया है, बेनिफिशियरी तो बेनिफिशियरी होते हैं। वो नरेंद्र मोदी के 10 साल से जो काम हुआ है उसका जो डिविडेंड्स जो मिलेंगे हमें, जो उस काम के जो सारे जो हैं वो मोदी जी को दिख रहा है, जिस तरह से क्राउड निकल के आ रही है, लोग निकल के आ रहे हैं, ये दिखाता है कि हम साउथ। दो सूची बीजेपी ने जारी कर दिया, लगभग 260-265 उम्मीदवार आपने जारी कर दिया, तीसरी सूची कब तक आने की संभावना है? और बीजेपी जो महिला की बात बार बार करती है और 33% आरक्षण भी दिया गया, तो वो एविडेंट नहीं हो रहा क्या उसमें आगे और आने वाले दिन में एविडेंट होगा, दिखेगा वैसा महिलाओं का बोलबाला? देखिए, ये जो इलेक्शन का है महिलाओं का, तो आपको पता है कि हम लोग लॉ ही चेंज करके ला रहे हैं, हम कितना चाहते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी अब किस तरह से महिलाओं को लाया जा रहा है, तो महिलाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जो एक प्रोसेस होता है वो धीरे धीरे। बीजेपी की तैयारी और उस माइक्रो मैनेजमेंट को लेकर तो हम बातचीत कर चुके हैं, लेकिन इस चुनावी कैलेंडर से पहले कांग्रेस की तैयारी के बारे में बात करते हैं। विपिन चौबे के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और अजय राय इस वक्त उनके साथ है। ओवर टू यू विपिन। बिल्कुल सुरभि, देखिए अब पूरा देश चुनावी समर में कूद गया है, लेकिन पूरे देश की निगाह जहां है वो है उत्तर प्रदेश, और मेरे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय हैं। अजय जी, क्या तैयारी है? कल 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा करने जा रहा है और उत्तर प्रदेश से हर किसी को उम्मीदें बहुत ज्यादा है, क्या तैयारी और क्या उम्मीदें आप लोगों की? निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है, हम सब लोग अपने वार रूम से लेकर, अपने BLO से लेकर और ट्रेनिंग कैंप से लेकर हम सब चीज़ की तैयारी कर बैठे हैं और पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन सीटों के बंटवारे पर, सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन पर, कैंडिडेट के सिलेक्शन पर अगर देखें तो आप लोग बहुत पीछे नजर आ रहे हैं। बीजेपी 50 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, समाजवादी पार्टी 30 पर, आपको जो सीटें मिली हैं उस पर कैंडिडेट्स फाइनल नहीं हो पा रहे हैं, बहुत रस्साकशी है अभी भी, क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे लड़ेंगे चुनाव? देखिए, ऐसा है बीजेपी के जो सीट्स घोषित हुई हैं आप उसमें देख सकते हैं, अभी तमाम उसमें उलट फेर चल रहा है इनका। हम जो कहेंगे वो हमारी जो सीट्स आएंगे वो मजबूती के साथ कैंडिडेट्स आ रहे हैं और निश्चित तौर से बहुत जल्द आपको 1-2 दिन के अंदर सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन आप तो चल रहे हैं अपने प्रदेश में, लेकिन जो बड़े नेता हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वो उत्तर प्रदेश में कम नजर आ रहे हैं या कम आए हैं, इम्पैक्ट पड़ेगा आपको लगता है? क्योंकि ये स्टेट यहाँ पर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, मुकाबला प्रधानमंत्री से है, तो कहीं मामला हल्का तो पड़ता नजर नहीं आ रहा है? नहीं, इस स्टेट में भी आप देखे होंगे राहुल जी की पूरी यात्रा थी ना, पश्चिम में, पूरब में, आपने देखा होगा यात्रा की भीड़ भी देखी होगी, बनारस में भी देखा होगा, परिधान मंत्री जी के क्षेत्र में भी आपने देखा होगा कि वहाँ भीड़ कैसी रही है, और आगे आपने लखनऊ में भी देखा होगा, तो रायबरेली अमेठी में भी देखा होगा, पश्चिम में भी देखा होगा, तो हमारे बड़े नेता भी पूरी ताकत के साथ यूपी में खड़े हैं और हम सब, हमारा एक कार्यकर्ता खड़ा है, हमारे सारे साथी जाबाज साथी खड़े हैं हमारे साथ। मुकाबला बहुत ताकतवर पार्टी से है, कहाँ पाते हैं अपने आप को इस चुनाव में आप, उत्तर प्रदेश की स्पेशली बात करूं, देश की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कहाँ पा रहे हैं, 80 सीटों में क्या टारगेट आप लोग लेकर चल रहे हैं गठबंधन का और अपना? नहीं देखिए, ऐसा है, आप देखते रहिए आगे जो चीज़ें हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि ये जो ताकतवर जो है ना, ताकतवर जनता ही बनाती है, तो जनता जब ताकतवर, अब
खुद अपने आप को जनता देख रही है कि हमें किस तरह से ठगा जा रहा है। चुनाव आ गया, आप दो दो रुपया दाम कम कर रहे हो डीजल का, पेट्रोल का, गैस का, आप इतने दिन सोए हुए थे, फिर चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर आप आओगे सरकार ये करी, हमने तो ढाई साल में 15-17 रुपए कम कर दिए। कहाँ कम कर दिया आप पूछ रहे, ढाई साल का रेशियो वो गिना रहे हैं, कहाँ गिना रहे हैं आप, देख लीजिए अभी आपने किया, गैस का दाम तो बढ़ाया आपने ना, अभी अपने कमर्शियल का दाम बढ़ाया कि नहीं। आधार पर यहाँ बात हो रही है, मुद्दों के आधार पर सवाल उठाया जा रहा है और मुद्दों के साथ ही जनता के बीच पहुंचे राहुल गांधी की न्याय यात्रा का भी इन्होंने जिक्र कर दिया है।